हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस है और आप देख रहे हैं फंटेसी विनर्स। दोस्तों आज मुझे काफ़ी ज़्यादा फीवर था और अभी भी है। अभी अभी मेडिसिन लेकर आपके लिए वीडियो बनाने के लिए यहां पर आया हूं, वरना हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी आपके प्यार की वजह से, आपकी सपोर्ट की वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। दोस्तों आज मैच खेला जाएगा श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच। दोनों ही टीमें अच्छी हैं, ऑस्ट्रेलिया कुछ ज़्यादा अच्छी है तो श्रीलंका भी कम नहीं है। इन दोनों के बीच आज मैच खेला जाएगा और ये मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के जो दोनों मैच थे, एक तो मैं कवर ही नहीं कर पाया क्योंकि बुखार बहुत ज़्यादा था, फीवर बहुत ज़्यादा था, दूसरा मैच रद्द हो गया, इसलिए आज के दोनों मैच छूट गए। लेकिन इस मैच में हम आपके लिए तगड़ा पैसा जिताने वाले हैं। मैं क्या, अगर आप इस वीडियो में 10 मिनट, ओनली 10 मिनट दे देते हैं तो 10 मिनट में ही मैं आपके लिए बता दूंगा कि कौन से खिलाड़ी परफॉर्म करने वाले हैं, कौन से खिलाड़ी फ्लॉप होने वाले हैं और कौन से हैं वो 5 खिलाड़ी जिन्हें आपकी टीम में होना चाहिए। पिच रिपोर्ट भी काफ़ी अहम है, उसके बारे में भी मैं आपके लिए बताऊंगा। इसीलिए आज तबीयत थोड़ी डाउन है तो वीडियो शॉर्ट ही बनाऊंगा, ज़्यादा टाइम आपका खर्च नहीं करूंगा। और आपके लिए बता दूं कि जो फाइनल हमारी टीम है, वो फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, उसे ज्वाइन जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं प्लेइंग 11 की। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो उनकी प्लेइंग 11 में एरन फिंच, डेविड मिलर, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड, मैथ्यू वेड, पैट कमिंस या फिर रिचर्डसन, मिचेल स्टार्क, एडम जंपा, जोस हेजलवुड, ये हो सकती है ऑस्ट्रेलिया की पॉसिबल प्लेइंग 11। अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो उनकी तरफ से पथुम निसांगका, कुशल मेंडिस, चरित असलंका, धनंजय डिसिल्वा, भानुका राजपक्षे, दसुन सनाका, वानिंदु असरंगा, चमिका करुणरत्ने, बिनुरा फर्नांडो, महेश दीक्षाना और लाहिरु कुमारा, ये हो सकती है श्रीलंका की पॉसिबल प्लेइंग 11। दोस्तों अगर हम बात करें मैच डिटेल की, तो यह है वर्ल्ड कप 2022 का 19वां मैच है, जो आज 25 अक्टूबर को 4:30 पर शुरू होगा। वेन्यू की अगर हम बात करें, तो ये पर्थ के पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर हम बात करें पिच रिपोर्ट की, तो ये एक ऐसी पिच है जिसमें हाई सिक्योरिंग मैच भी होते हैं और लो सिक्योरिंग मैच भी होते हैं। कभी कभी यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए अच्छी मदद मिलती है और अच्छे रन भी देखने को मिलता है। कभी कभी बॉलर्स को इतनी मदद मिलती है कि स्कोरिंग 130 के आसपास हो जाता है। तो यानी कि जो यहाँ का एवरेज स्कोर है वो 150 के आसपास है, लेकिन यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच भी हो सकते हैं। इसलिए हम एक्सेप्ट यही कर रहे हैं कि जो मैच होगा वो हाई स्कोरिंग मैच यहाँ पर होगा, क्योंकि दोनों टीमें अच्छी हैं, दोनों टीमें ही अच्छे रन बना सकती हैं। बात करें अगर ग्राउंड स्टेट्स की, तो यहाँ पर जो 3 मैच खेले गए हैं उसमें एवरेज स्कोर 155+ का रहा है और फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम यहाँ पर 1 बार जीत दर्ज की है, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने यहाँ पर 2 बार मैच जीता है। स्कोर पैटर्न की अगर हम बात करूं, इन 3 मैचों में से 2 बार 150 के नीचे का स्कोर बना है और 1 बार 190 के ऊपर स्कोर बना है। ये इंटरनेशनल मैचों के रिकॉर्ड्स हैं। अब मैं आपके लिए बताता हूं कि यहां पर जो घरेलू और लीग्स के मैच हुए हैं उनमें कितने रन बनाए हैं और उनमें स्कोर पैटर्न क्या रहा है। दोस्तों इस मैदान पर जो घरेलू और लीग्स के मैच खेले गए हैं वो 21 मैच यहां पर खेले गए हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, और एवरेज स्कोर 165+ का रहा है। फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 13 बार जीती है, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 8 बार जीती है और इन 21 मैचों में से 150 से नीचे का स्कोर 4 बार बना है, 150 से लेकर 169 के बीच का स्कोर भी 4 बार बना है और 170 से लेकर 189 का स्कोर यहां पर 10 बार बन चुका है और यहां पर 190 के प्लस का स्कोर भी 3 बार बन चुका है। यानी कि मैदान जो है बैटिंग के लिए अच्छा है, लेकिन शुरुआत में फास्ट बॉलर्स विकेट निकाल सकते हैं। इसी तरह से आपको टीम बनानी है, किस तरह से बनानी है वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। दोस्तों श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो पिछले 5 मुकाबले खेले गए हैं, उन मुकाबले के बारे में मैं आपके लिए बताता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच एक मुकाबला खेला गया था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 176 रन बनाए थे और श्रीलंका ने उस मैच को 1 गेंद शेष रहते हुए 177 रन बनाकर मैच को जीता था। दूसरा जो मैच इनके बीच हुआ था उसमें श्रीलंका ने 124 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया ने 126 रन बनाकर मैच को जीत लिया था। और तीसरा जो मैच इनके खिलाफ हुआ उसमें 154 ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे और 155 श्रीलंका ने बना लिए थे। वहीं चौथा मैच जो इनके बीच हुआ था उसमें 139 रन बनाए थे श्रीलंका ने, ऑस्ट्रेलिया ने 143 रन बनाकर मैच को जीत लिया था। ये हैं कुछ मैच जिनके बारे में आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है। 5 मैच हुए हैं जिसमें श्रीलंका ने 2 जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया ने 3 बार मैच जीते हैं और मुझे उम्मीद है कि इस मैच में भी कांटे की टक्कर होने वाली है। हेड टू हेड मुकाबलों की अगर हम बात करें, तो दोनों के बीच ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच 25 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें 15 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और 10 मुकाबले श्रीलंका ने भी जीते हैं। यानी कि टक्कर दी है कड़ी ऑस्ट्रेलियाई टीम को। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने प्रिडिक्शंस की कि कौन से हैं वो 5 बल्लेबाज जो इस मैच में परफॉर्म करने वाले हैं और इनको आपको नहीं छोड़ना है, चाहे आप एसएल खेलो या फिर आप जीएल खेलो। विकेट कीपर में आपको कुशल मेंडिस को नहीं छोड़ना है,
क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू वेड के लिए जाओगे तो मैथ्यू वेड के बैटिंग आने के चांस काफी कम रहते हैं, लेकिन कुशल मेंडिस ओपन करते हैं, इसलिए कुशल मेंडिस की तरफ आप जा सकते हैं। बैट्समैन की अगर हम बात करें तो पहले मैच में डेविड वार्नर फ्लॉप हो गए थे, लेकिन इस मैच में वो काफी कमाल दिखा सकते हैं, इसलिए डेविड वार्नर को आपको अपनी टीम में जरूर रखना है। तरफ से बैट्समैन की अगर बात करूं तो डी सिल्वा अच्छे हैं, बॉलिंग से भी विकेट निकाल सकते हैं, बैटिंग से भी पॉइंट आपके लिए दे सकते हैं। ऑलराउंडर में आपको हसरंगा को अपनी टीम में जरूर रखना है। अगर बॉलर्स की अगर हम बात करें तो जोश हेजलवुड और महेश तीक्ष्णा, इनको आपको नहीं छोड़ना है। ये छह मैंने आपके प्रेडिक्शन दिए हैं, ये इस मैच में परफॉर्म करने वाले हैं, इसलिए इन छह में से एक को आप छोड़ सकते हैं, पांच खिलाड़ी तो आपको रखने ही है, ये आपकी टीम को सेफ रखेंगे। तो दोस्तों बहुत कम टाइम में बहुत सी खास खास चीज़ें मैंने आपके लिए प्रोवाइड करा दी हैं, इसमें मैंने इतना कुछ आपके लिए बता दिया है कि अगर आप भी चाहें तो अपनी अच्छी टीम बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको टीम बनाकर दिखाऊंगा कि अपनी टीम में मैंने किन किन को शामिल किया है। लेकिन जब मैं टीम बना लूंगा तो आप खेलोगे कहाँ भाई? मैं आपको टीम दूंगा तो आप खेलोगे दूसरी जगह, ड्रीम इलेवन या फिर कहीं और, वहां पर कंपटीशन बहुत है, वहां पर आप हार जाते हो। लेकिन मैं खेलता हूं बल्लेबाजी ऐप पर, बल्लेबाजी ऐप पर कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, विन रेट काफी ज्यादा है, वहां जीतने के चांस ज्यादा है, हारने के कम है। इसलिए अगर आप मोटा पैसा जीतना चाहते हैं तो फिर आपको बल्लेबाजी पर खेलना होगा। बल्लेबाजी एक बेस्ट ऐप है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, मेरे रेफर कोड को अगर आप यूज करते हो और ₹50 का वेलकम बोनस आपको तुरंत ही मिल जाएगा और बहुत से ऑफर्स वहां पर चलते रहते हैं, आप यहां पर बाइक भी जीत सकते हैं। तो चलिए आप बनाते हैं अपनी टीम, फिर बताता हूं आपके लिए बेस्ट ऑफर्स के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये टीम काफी रिसर्च करने के बाद चुनी है। विकेट कीपर में मैंने कुशल मेंडिस को लिया है, बैट्समैन में मैंने डेविड वार्नर को लिया है, डी सिल्वा को लिया है, अगर निशान का खेलते हैं तो निशान का को लूंगा और मिचेल मार्श को भी लिया है। ऑलराउंडर्स में स्टोइनिस को लिया है, ग्लेन मैक्सवेल को लिया है, वानिंदु हसरंगा को लिया है। बॉलर्स में मैंने हेजलवुड को लिया है, एडम जंपा को लिया है, महेश तीक्ष्णा को लिया है। लेकिन अगर निशान का नहीं खेलते हैं तो फिर मैं एक बल्लेबाज को ड्रॉप करके या तो ऑस्ट्रेलिया के एक बॉलर को ले सकता हूं या फिर श्रीलंका के एक बॉलर को मैं ले सकता हूं। यह है मेरी टीम जिसके साथ मैं खेलने वाला हूं, लेकिन आपके लिए बता दूं कि ये मेरी फाइनल टीम नहीं है। फाइनल जो टीम होगी वो मिलेगी टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, फ्री में ही आप ज्वाइन करिए और फ्री में ही बहुत सारी बातें वहां पर सीखिए। तो दोस्तों टीम भी हमने बनाकर आपको दिखा दी है, लेकिन आपको खेलना है बल्लेबाजी ऐप पर। अगर आप बल्लेबाजी ऐप पर नए हैं तो ₹200 वहां पर डिपॉजिट करते हैं और कोड यूज करना है आपको OCT200, तो आपको ₹49 की एक मेगा लीग की GL की टिकट फ्री दी जाएगी, इसका फायदा आपको जरूर उठाना है। और बल्लेबाजी पर आपको और भी बहुत सारे डिपॉजिट के इनाम मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ₹20,000 डिपॉजिट करते हो और कोड यूज करते हो WCW999 तो आपको ₹999 की एक मेगा लीग टिकट फ्री दी जाएगी। अगर आप ₹8,000 डिपॉजिट करते हो तो आप कोड यूज करना है CWC399 तो आपको ₹399 की एक लीग फ्री दी जाएगी। अगर आप ₹1,000 डिपॉजिट करते हैं और CWC49 अगर आप डालते हैं तो आप ₹49 की एक मेगा लीग जीत सकते हैं। ये आप दोबारा में ट्राई कर सकते हैं, दोबारा भी आपको ये मिल जाएगी। तो दोस्तों इन ऑफर्स का फायदा भी आपको बल्लेबाजी पर जरूर उठाना है। दोस्तों टीम भी आपने बना ली, बल्लेबाजी ऐप को भी डाउनलोड कर लिया, डिपॉजिट भी अगर आपने कर लिया है तो आपको खेलने हैं हेड टू हेड मुकाबले। अगर आप ज्यादा पैसा जीतना चाहते हो तो आपको ज्यादा इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, और यहां पर इन्वेस्ट अगर आप करते हो बल्लेबाजी पर आपको फायदा ही फायदा है। यहां पर उनका जो कमीशन है बहुत कम है, यहां पर आप 3 बंदों में या 2 बंदों में खेल सकते हैं, टीम हम आपको देते ही हैं, आसानी से विन आप यहां पर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहली लीग आपके लिए दिख रही होगी ₹1,899 की है, 3% का आपको बोनस भी मिल रहा है और यहां पर ₹5,000 का प्राइज पूल। दूसरा अगर आप देखो तो ₹2,789 का यहां पर एंट्री है, ₹5,000 का प्राइज पूल है, इसमें 2 ही बंदे हैं। तीसरा अगर आप खेलना चाहो ₹10,999 की खेल सकते हो, यहां पर ₹20,000 का प्राइज पूल है, आसानी से जीत जाओगे, मैच खत्म हुआ ₹20,000 आपकी जेब में। अगर आप बड़ा जीतना चाहते हो तो आप बड़ा यहां पर आपको यहां पर बड़ा खेलना भी पड़ेगा। लेकिन अगर ये कहते हो आप कि मेरा बजट कम है तो आप यहां पर हेड टू हेड मुकाबलों में भी कम बजट में खेल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर ₹58 लगाते हैं ₹100 का प्राइज पूल है, जीत जाओगे। ₹28 लगाते हैं तो ₹50 का प्राइज पूल है। ₹175 लगाते हैं ₹300 का प्राइज पूल है। इन लीग्स को भी आप खेल सकते हैं अगर आपकी बजट से बाहर है बड़ी लीग खेलना। और दोस्तों यहां पर और भी कमाल की चीजें हैं, जैसे यहां पर आप रिवॉर्ड भी जीत सकते हैं। यहां पर आप खेलेंगे तो वो तो सब आपका, रिवॉर्ड्स भी आप यहां पर बड़े बड़े जीत सकते हैं। क्या क्या रिवॉर्ड्स है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहां पर आप बैटिंग फैंटेसी खेल सकते हैं, बॉलिंग फैंटेसी खेल सकते हैं, सेकंड इनिंग फैंटेसी यहां पर खेल सकते हैं। साथ ही साथ आप प्रिडिक्ट करके भी यहां पर ₹10,000 डेली यहां पर जीत सकते हैं। सिर्फ आपको यस नो करना है और आप यहां पर रियल कैश जीत सकते हैं। कैसे जीतने हैं चलिए आपको बताता हूं।
फॉर एग्जाम्पल ये मैच होगा कल श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का, इस पर आपको जाना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको प्रिडिक्टर दिख जाएगा, वहां पर प्रिडिक्टर पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ सवाल दिए जाएंगे जिन्हें आप हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको एग्री डिसएग्री करना है। फॉर एग्जाम्पल पहला सवाल है कि श्रीलंका विल लॉस देयर फर्स्ट विकेट बिफोर स्कोरिंग 23 रन इन द ऑस्ट्रेलिया वर्सेज श्रीलंका T20 मैच। इसका मतलब है कि क्या श्रीलंका 23 रन बनाने से पहले अपना पहला विकेट खो देगी। अगर आपको लगता है कि श्रीलंका पहला विकेट खो देगी तो आप एग्री कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं खोएगी तो आप डिसएग्री कर सकते हैं। दोनों तरफ से यहां से आप पैसा कमा सकते हैं। इसमें और भी बहुत से सवाल रहते हैं, जैसे इसमें दूसरा सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया विल स्कोर 7 और मोर रन इन फर्स्ट ओवर इन द ऑस्ट्रेलिया वर्सेज श्रीलंका T20 मैच। इसका मतलब यह है कि अगर ऑस्ट्रेलिया खेलती है पहले तो पहले ओवर में क्या वो 7 या उससे ज्यादा रन बनाएगी। अगर आपको लगता है कि बना देगी तो आप एग्री कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं बना पाएगी तो आप डिसएग्री कर सकते हैं। वही तीसरा क्वेश्चन है कि श्रीलंका विल स्कोर 6 और मोर रन इन द फर्स्ट ओवर, क्या श्रीलंका पहले ओवर में 6 या उससे ज्यादा रन बनाएगी। अगर आपको लगता है कि बना देगी तो आप यस करिए, नहीं लगता तो आप डिसएग्री कर दीजिए। इस तरह से आप प्रिडिक्ट करके भी यहां पर पैसा कमा सकते हैं। और दोस्तों यहां पर आप बाइक भी जीत सकते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि बल्लेबाजी एक ऐसा ऐप है जो अपने प्लेयर्स को खेलने पर रिवॉर्ड्स देती है। रिवॉर्ड छोटे से लेवल से शुरू होते हैं, बड़े लेवल पर अगर आप पहुंच जाते हैं, अगर आप गलती से ये मान लो कि 7 लेवल पर पहुंच गए तो आपके लिए गारंटेड BMW बाइक यहां पर दी जाएगी। अगर इनका फायदा आपको उठाना है तो बल्लेबाजी पर खेलिए, इतने सारे ऑफर्स आपको मिलते हैं। लास्ट एंड फाइनल ऑफर आपके लिए है लीडर बोर्ड। अगर आप यहां पर आकर GL खेलते हैं तो यहां पर 1,00,000 रुपए का लीडर बोर्ड चल रहा है, वहां पर आप शामिल हो सकते हैं और फ्री में ही पैसा बना सकते हैं। आपको क्या करना है कि यहां पर GL के लिए अपनी GL की टीम जितने पॉइंट लेगी इतने ही पॉइंट आपके जुड़ जाएंगे, और जितना आप ज्यादा खेलोगे इतने ही पॉइंट आपके बढ़ेंगे। अगर आप 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पर भी आ गए तो भी आपके लिए बड़ा अमाउंट यहां पर मिल जाएगा, इसलिए इसका फायदा भी आपको बल्लेबाजी पर जरूर उठाना है। तो दोस्तों मैंने बहुत कम टाइम में आपके लिए बता दिया है सब कुछ, इसीलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से अपनी टीम बनाएं और फाइनल टीम का इंतजार करें। टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर करें, साथ ही साथ बल्लेबाजी को डाउनलोड कर लो, मेरे रेफर कोड प्रिंस फोन फ्रीति को यूज करो, वहां पर बहुत से ऑफर्स का फायदा उठाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।